हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक विद मिन्हाज पे। टेक्नोलॉजी से जुड़े जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। तो आज हम फिर से हाजिर हैं मोबाइल के कुछ टिप्स और ट्रिक लेकर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीन पिन के बारे में। स्क्रीन पिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ आपको, स्क्रीन पिन से आप अपने प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हैं। सपोज़ हमारे किसी फ्रेंड फैमिली किसी ने हमसे फ़ोन यूज़ करने के लिए मांगा। सपोज़ उसने हमसे कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए मांगा, हम उसे कैलकुलेटर यूज़ करके सिंपली दे देते हैं, बट वो सिंपली एक बैक करके हमारे गैलरी में या हमारे व्हाट्सएप में यह जा सकता है और हमारे प्राइवेसी को ख़तरा हो सकता है इससे। तो इससे हम स्क्रीन पिन के थ्रू बच सकते हैं। सपोज़ मैंने ये मेरा कैलकुलेटर उसे यूज़ करने के लिए दिया तो वो बैक करके वापस आ जाएगा। अब मैं उसे नॉर्मली स्क्रीन पिन करके दे देता हूँ तो ये आप देखिए, वो अब बैक करेगा तो बैक नहीं होगा और वो स्क्रीन पिन ओपन करेगा तो मेरा फ़ोन लॉक हो जाएगा, जिससे कि अब वो मेरा फ़ोन खोल ही नहीं सकता और वो मेरे कोई प्राइवेसी पे जा नहीं सकता। तो चलिए हम देखते हैं स्क्रीन पिन हम करेंगे कैसे। तो ये मैं खोल लेता हूँ, ये देखिए मेरा फ़ोन लॉक हो चुका है। अब स्क्रीन पिन करने के लिए हमें सिंपली अपने फ़ोन के सेटिंग पे जाना है। ये मेरा और यहाँ पर देखिए आप, सिक्योरिटी एंड लोकेशन है, आपका एडिशनल सेटिंग पे भी हो सकता है। मैं सिंपली सिक्योरिटी एंड लोकेशन पे जाता हूँ और ये आप देखिए एडवांस सेटिंग, हम एडवांस में चलते हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन पिनिंग आ चुका है, ये मेरा ऑन है। आपका ऑफ होगा तो ऑन कर लीजिए, अगर ऑन होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब ये मेरा ऑन कर लेता हूँ मैं, देन हम होम में चले जाते हैं। स्क्रीन पिन करने के लिए हमें मल्टीटास्किंग बटन को प्रेस करना है और ये देखिए मेरा कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। आप जिस काम के लिए अपने दोस्त को देना चाहते हैं वो ओपन करके नॉर्मली स्क्रीन पिन करके दे सकते हैं। अब वो आपके कहीं और नहीं जा सकता, वो नॉर्मली वही काम करेगा जिस काम के लिए आपने उसे फ़ोन दिया है। अब वो सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करेगा और अगर उसे फ़ोन रिटेन करना है तो वो बंद करके फ़ोन ऑफ करके दे देगा या तो फिर नॉर्मली हमें ऐसे ही रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम अपने प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड। इसी तरह से फ्रेंड सेकंड सेटिंग हम चलते हैं अपने, सेकंड सेटिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो कैसा हो फ्रेंड, हमारे फ़ोन पे दिए गए टेक्स्ट मैसेजेस हमारा फ़ोन हमें पढ़ के सुनाने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे फ़ोन पे सेटिंग है। तो हम अपने फ़ोन के सेटिंग पे जाते हैं और हम चलते हैं एक्सेसिबिलिटी पे। ये देखिए आप एक्सेसिबिलिटी देख सकते हैं, आपके एडिशनल सेटिंग पे होगा, फ़ोन के सेटिंग पे होगा। और यहाँ पर देखिए आप सिलेक्ट टू स्पीक, अब सिलेक्ट टू स्पीक को मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, ऑन कर है। और यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ चुका है हमें, ये आप देख सकते हैं ये मैसेज आ चुका है। अब मुझे सिंपली अपना ये दिए गए टेक्स्ट को पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, सिंपली मुझे यहाँ क्लिक करना है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है। अब मुझे यहाँ टैप करके इसे स्क्रॉल डाउन कर देना है और ये देखिए मेरा पढ़ के सुना रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप सिर्फ ये ही नहीं, आप अपने सोशल मीडिया के किसी टेक्स्ट को, आप अपने इमेजेस के टेक्स्ट को आप कहीं भी इसे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए मेरे गूगल पे मैं आ चुका हूँ। अब मुझे गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ना है तो मुझे सिंपली यहाँ टैप कर देना है और से सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट को। और ये देखिए अब आराम से मैं सुन सकता हूँ। तो ये देखा आपने, ये मुझे पढ़ के सुना रहा है। इसी तरह से अगर आप इसे कोई भी लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं, आप हिंदी चूज कर लीजिए तो ये हिंदी पे पढ़ के सुनाएगा, अगर आप इंग्लिश पे करते हैं तो इंग्लिश पढ़ के सुनाएगा। तो
इसे आप बंद भी कर सकते हैं, सिंपली आप अपने सेटिंग पे जाइए और एसेसिबिलिटी पे जाते हैं और सिलेक्ट स्पीक क्लॉक सिलेक्ट करके आप इसे सिंपली बंद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये देखिए फ्रेंड, ये मैं स्क्रीन पे टैप करता हूँ तो ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद निशान आ जाता है ना। तो ये हम बहुत सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप किसी को समझा रहे हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत सी जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं समझा के। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हमें अपने फ़ोन के सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर सिस्टम है मेरा, सिस्टम पे जाना है और ये अबाउट फ़ोन पे जाना है। अबाउट फ़ोन पे जाने के बाद हमें सिंपली 7 बार मिड नंबर पे प्रेस कर देना है। इससे होगा क्या, इससे फ्रेंड हमारा फ़ोन पे डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं सिंपली बैक करता हूँ और ये मैं फिर अपने सेटिंग पे जाता हूँ और ये सिस्टम पे जाता हूँ और एडवांस पे जाता हूँ। तो ये देखिए मेरा डेवलपर ऑप्शन आ चुका है और डेवलपर ऑप्शन पे नीचे आने के बाद ये देखिए सो टैप मेरा ऑन है। अब हम इसे ऑन कर देते हैं तो मैं कहीं भी टैप करूँगा तो ये मेरा शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने शो टैप को ऑन कर सकते हैं और आप अपने इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा फ्रेंड।